नमस्कार दोस्तों, जेक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पटवारी का जो लास्ट ईयर जो 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो एग्ज़ाम पेपर है उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम पेपर है वो किस प्रकार का आया था। तो आज हम इसके पुराने जो प्रीवियस ईयर पेपर है आज उसी को देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो कुल पेपर है ये 180 क्वेश्चंस इस पेपर में आए थे। तो इन 180 क्वेश्चंस में हम सिर्फ आज जीके और जो साइंस के क्वेश्चंस है वो ही देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें पूछा गया पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो भौतिक विभाग दिए गए हैं एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ इसमें दिए गए हैं सेल समूह और तीसरी तरफ दरातीय लक्षण। तो इनमें से हमें सही मिलान करना है कि इसमें इन तीनों कूटों में से कौन सा सही कूट है। तो इसमें जो दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों कूट हैं ये एकदम सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। दक्षिण पूर्वी पठार है ये आर्कियन विंध्यवन क्रम का होता है और गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान है या रायलो क्रिस्टेशन क्रम का है और टेथिस सागर इसका अवशेष के रूप में है। अरावली है वो अरावली दिल्ली क्रम है और प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। क्यों राजस्थान की जो पर्वत चोटियां हैं उनका अवरोही क्रम हमें बताना है। तो इसमें जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, टाटगढ़, खो, बिलाली और राजा रोजा वाखर, ये जो है यह क्रम अवरोही क्रम में एकदम सही है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। तो इसमें फर्स्ट सूची में दिया गया है त्रिवेणी संगम और सेकंड में दिया गया है नदिया। तो इनमें सही मिलान करना है। तो इसमें सही मिलान क्या हो जाएगा, इसमें जो बिगोद है ये बनास, बेड़च और मेनारली का त्रिवेणी संगम है। राजमहल है वो बनास, डाई और खारी का। रामेश्वर घाट है ये बनास, चंबल, सीप नदी का। और बेणेश्वर है सोमवाही, जाखम नदी का त्रिवेणी संगम है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो कोपेन का जो जलवायु प्रदेशों का जो नियम था उसमें राजस्थान में कौन सा नहीं है। तो इसमें हो जाएगा CWG, उत्तरी राजस्थान। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सत्य हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो इसमें जो कूट दिया गया है उसमें राजस्थान की मिट्टी के बारे में बताया गया है। तो इसमें सही कौन सा ये हमें बताना है। तो क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये है ये गलत है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट नीस क्वार्टजाइट सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी सही नहीं है। अगला है, इसमें दक्षिणी पूर्वी भाग में वेसाल्ट लावा के क्षरण के काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये एकदम सही है। और दक्षिण भाग में फोस्फेटिक सेलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, 3 और 4। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। इसमें वनों के संबंध में कथन दिए गए हैं उनमें हमें सही चुनना है। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन 1, 2 और 3। और ऑप्शन देख लीजिए, हम शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में सेकंड देते हैं, ये एकदम सही बात है। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यह भी एकदम सही है। उपोषण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाती हैं, यह बात भी सही है। पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ होते हैं, ये बात गलत होती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, कथन क, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। और इसका कारण आर दिया गया है, अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्नित फैली हुई है। तो इसमें कूट दिया गया है,
तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। दो नंबर ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की आंशिक व्याख्या करता है। ये ऑप्शन नंबर दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। इसमें सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो सूची फर्स्ट दिया गया है राजस्थान का क्षेत्र और सूची दो में गाय की नस्लें। तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में कौन सी गाय की नस्लें पाई जाती हैं यह इसमें बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर ऑप्शन। उत्तरी पश्चिमी भाग में है तो वो पाई जाती हैं उसमें राठी, और वहीं दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं कांकरेज, और पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं थार पारकर, और दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती भाग में गिर गाय पाई जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में दी गई है सिंचाई परियोजना और सूची दो में जिला। कौन सी सिंचाई परियोजना कौन से जिले से संबंधित है ये बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर एक है वो राइट आंसर हो जाएगा। गागरीन है वो है झालावाड़ की प्रमुख सिंचाई योजना है, और वहीं ताकली है तो वो कोटा की सिंचाई परियोजना है, और लहसी है वो है बारा की सिंचाई योजना है, और चाकन है वो है बूंदी की सिंचाई परियोजना है। अगले प्रश्न तो चलते हैं। इसमें अगला प्रश्न है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों ब्लॉक्स में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, गोंड व श्री माधोपुर। ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है सिर्फ एक ही जिले में सीमित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79A। ऑप्शन नंबर दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। सूची फर्स्ट में दिए गए हैं खनिज और सूची सेकंड में दिए गए हैं खनन क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीसा और जस्ता है वो राजस्थान कहाँ पाया जाता है? गुड़ा किशोरी दास में। वो टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? टंगस्टन है वाल्टा खनन क्षेत्र में पाया जाता है। और मैंगनीज है वो है लीलवानी, और तांबा है वो कोलन या फिर कोलिहान नगर है वहां पाया जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है जरीव फीता सर्वेक्षण में गुनिया यंत्र के प्रयोग से संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा लिए दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो जरीव फीता सर्वेक्षण के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जरीव सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो बातें दी गई हैं सेकेंड थर्ड और फोर्थ ये सही है एकदम। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है मील फलांग में दूरियों तथा एकड़ों के क्षेत्रफल मापने के लिए निम्न में से कौन सी जरी प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सी जरी प्रयोग में लाई जाती है? तो वो होती है गंटर जरीब। ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ब्रोच गुर्जर नामक ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों की यूजी जाति का वंशज मानते हुए उनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो किसने जोड़ा है? ये जोड़ा है कनिंघम ने। ऑप्शन नंबर तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? तो चिरवा शिलालेख के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, यह बात एकदम सही है। और दूसरा दिया गया है रतन पुरब सुरु इसके प्रशस्तिकार थे, यह भी सही है। और तीसरा दिया गया इसमें शिल्पी देहलन थे, यह भी सही है। और चार नंबर ऑप्शन है इसमें अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों ने इसमें उल्लेख है, यह बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो कौन सी शिलालेख में कहा गया है? वो कहा गया है बिजोलिया, बिचोलिया शिलालेख में कहा गया है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? तो हिंदू त्योहारों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अक्षय तृतीया आती है वो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, यह सही है। निर्जला एकादशी है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है, यह बात भी सही है। अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है, यह गलत है। वहीं निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, बड़ुआ ग्राम कोटा में कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, हमीन ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो किसको शरण दी थी? मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है पहले में दिए गए संप्रदाय और आगे उसकी प्रमुख पीठ या गद्दी दी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो गुदड़ संप्रदाय है वो है दांतड़ा भीलवाड़ा में है, और नवल संप्रदाय है वो है जोधपुर में है, और चरणदासी संप्रदाय है वो कहाँ पर है? वो दिल्ली में है, और अखलिया संप्रदाय वो है बीकानेर में है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। मारवाड़ में दामणी क्या है? तो मारवाड़ में दामणी क्या है? एक ओढ़नी का एक प्रकार है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगले क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है? तो संगीत राज अब कितने कोषों में विभक्त है? यह है कुल 5, 5 कोषों में विभक्त है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? तो गुड़ला त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, रामानाथा छज्जू और सेफू चित्रकला किस शैली से संबंधित चित्रकार थे? तो ये थे जोधपुर शैली से संबंधित चित्रकार थे। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो ये बनाया गया था बीकानेर में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? तो चिड़ावा का गांधी है वो किसे कहा गया है? वो कहा गया है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा गया है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध माना समझा जाएगा। आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था कैप्टन सोवर्स ने, यह कथन कहा था। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? तो मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? वो जारी किया गया था 1934। इसमें हम अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, तो राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं? कार्यपालिक एवं विधायी शक्तियाँ, ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती है। आपातकालीन एवं सैन्य शक्तियाँ, ये भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं। न्यायिक एवं वित्तीय शक्तियाँ, ये भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति शासन में प्रतिरक्षा समिति शक्तियाँ, ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी और सी। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक असत्य है पता लगाइए। तो इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक असत्य है वो हमें पता लगाना है। तो असत्य कौन सा है? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी, यही असत्य कथन है। उच्च न्यायालय में क्षेत्राधिकार जयपुर एवं जोधपुर है, यह भी सही है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है, यह भी सही है। और उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक असत्य है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा असत्य है यह हमें बताना है। तो असत्य कथन कौन सा है इसमें? गंगटोक की राजधानी सिक्किम है, यह कथन है, ये असत्य कथन है।
अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है, देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था ने निम्न में से क्या प्रावधान किए हैं। तो 73वां संविधान एक्ट है 1992, क्या त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में क्या प्रावधान करता है। तो इसके लिए राइट आंसर आ जाएगा बी एवं सी केवल। तो बी में क्या है, राज्य चुनाव आयोग का गठन करना, और सी में पंचायतों की वित्तीय स्थिति में समीक्षा के लिए वित्त आयोग का नियुक्त करना। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायत राज व्यवस्था है, तो पंचायत राज व्यवस्था क्या है, यह स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक असत्य है पता लगाइए। तो इसमें गलत कथन है वो हमें पता लगाना है। तो इसमें गलत कथन क्या है, सरपंच राज्य सरकार की प्रतिवेदन अभिलेख उपलब्ध करवाता है, यह कथन गलत है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन है। तो राजस्थान, वो भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन होता है, वो होता है महान्यायवादी। राजस्थान भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी होता है, अटोर्नी जनरल बोलते हैं जिसको। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें नियुक्त होती है, यह भी कथन सही है। इसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, यह भी सही है। यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं, यह कथन भी सही है। इनकी बर्खास्ती के लिए संविधान में उल्लिखित है, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो कौन सा है मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह भी मौलिक अधिकार है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यह भी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी एक अधिकार है। भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार, यह मौलिक अधिकार नहीं है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय था, तो राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या था, वो था 1952 से लेकर 1957 तक। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें साइंस के क्वेश्चंस हैं। एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है, वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार तथा पैर छोटे दिखती है। ऊपरी सिरे से जादुई दर्पण के संयोजन का क्रम होगा, तो इसका संयोजन का क्रम कौन सा होगा, अवतल समतल और उत्तल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, इस दोष को संबोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता होगी, वो क्या होगी, अवतल लेंस की होगी, माइनस की 1.25 डायोप्टर क्षमता का लेंस होना चाहिए, अवतल लेंस होना चाहिए वो, -1.25 डायोप्टर क्षमता का। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी पर लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, टीआई प्लास मिड जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्राप्त होता है, वो किससे प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है, तो हार्मोन उत्पादन से संबंधित फलन कौन सा है, वो है हाइपोथैलेमस। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है वो क्या होता है, 120 दिन होता है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है, तो आम सर्दी का कारण कौन सा विषाणु बनता है, वो होता है राइनो विषाणु। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पादप से कीटनाशी प्रायरित्रम बनाया जाता है, तो कौन से पादप से कीटनाशी प्रायरित्रम बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है क्राइसेंथियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। जब एन प्रतिरोध प्रत्येक का मान आर है जो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तब परिणामी प्रतिरोध का मान एक्स है। जब यही एन प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो क्या होगा, एन स्क्वायर एक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रोग प्रतिकारक होते हैं, तो रोग प्रतिकारक कौन होते हैं, वो होते हैं गामा ग्लोब्यूलिंस है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया, ये एक रिएक्शन दिए गए है 4NH3G5O2 गैस और
इसे क्या उत्पाद बनता है? 4NO+6H2O एक उदाहरण है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ये है विस्थापन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है 18 कैरेट सोने में होता है, तो 18 कैरेट सोने में क्या होता है? वो होता है 75% सोना होता है, क्योंकि 24 कैरेट सोना होता है वो एकदम शुद्ध सोना होता है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में आर्मेचर विद्युत उत्पन्न होती है, तो आर्मेचर में कौन सी विद्युत उत्पन्न होती है? वो होती है एसी अल्टरनेटिव करंट या एसी धारा उत्पन्न होती है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गुणन करती कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा जब कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम हो। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है, तो कौन सा आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है? तो वो हो जाएगा टीआरएनए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो वो होता है सूरज की रोशनी। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? वो होती है मीथेन होती है, वो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होती है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है एक हेनरी की कुंडली में प्रेरित विद्युत बल 16 वोल्ट है, धारा में परिवर्तन की दर होगी, तो धारा में परिवर्तन की दर क्या होगी? 4A/S, अब इसकी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है पीसीआर से जाँच होती है, तो पीसीआर से किसकी जाँच होती है? पीसीआर से होती है वो एचआईवी की जाँच होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी होती है? तो वो होती है माँ धमनी, माँ धमनी होती है वो शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका होती है। तो दोस्तों ये थे इसमें राजस्थान पटवारी का जो 2015 का पेपर हुआ था उसमें जो जीके और साइंस के जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस आज हमने देखे हैं। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। अगर आप इस पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ के लिए लिंक दे दी जाएगी, वो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस हमारे चैनल पर और भी अपडेट्स आती रहेंगी तो उसकी जानकारी आप तक प्राप्त हो सके। धन्यवाद।